नमस्कार, आज हम टिट्टर की शारीरिकी एवं कार्यकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ग्रासहॉपर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टिट्टर का वर्गीकरण देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो वर्गीकरण में इसका जो किंगडम है, ये वर्गीकरण जो दिया गया है इसमें उसका जो जगत है किंगडम, ये जंतु जगत एनिमिलिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसका जो सब किंगडम है, जो सब किंगडम यानी उप जगत, वो मेटाजोवा के अंतर्गत आता है टिड्डा। और इसका जो फाइलम है संघ, वो आर्थ्रोपोडा है। इसका जो फाइलम संघ है आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम उप संघ जो है ये मैंडिबुलेटा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार इसका जो क्लास है, वर्ग है, वो इसका जो क्लास है वो इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। और सब क्लास जिसको बोलते हैं उपवर्ग, ये उपवर्ग जो आता है वो टेरिगोटा आता है। ठीक है, इसी प्रकार उसका जो महासमूह डिवीजन जिसको बोलते हैं वो एक्सोटेरिगोटा के अंतर्गत आता है। और इसका जो ऑर्डर है, गण है, वो आर्थ्रोप्टेरा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार इसका जो जेनस वंश जो है वो सिस्टोकर्स के अंतर्गत आता है, सिस्टो सकर। और इसका जो जाति स्पीसीज जो है वो आता है ग्रिगेरिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसका जो टिड्डा है, वो टिड्डे का अन्य जो सामान्य जाते हैं उसमें सिस्टो सकररा और अमेरिकाना, सिस्टो सकररा माइग्रेटेरिया, रोमेलिया माइक्रोप्टेरा, सिरिटा कैंथिक्रिस, सक्टिनेटा और पोइसिलोरिसिरम पिक्टस आदि इसका अन्य जो जातियां हैं इनका सामान्य ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी इसका जो वितरण है वो देखते हैं, तो जो टिड्डा है उसका किस प्रकार वितरण होता है, किस प्रकार ये इसका वितरण है। तो टिड्डा विश्वव्यापी होते हैं, ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये पश्चिम के प्रेरी मैदान में सबसे अधिक मिलते हैं, जो पश्चिम है वहाँ प्रेरी जो मैदान है उसमें टिड्डा जो प्रजाति है सबसे अधिक मिलता है। अधिकतर अफ्रीका व एशियाई जातियाँ प्रवासी होती है, माइग्रेट जो होती है वो अफ्रीका एवं एशियाई वाले जो टिड्डा होते हैं वही होता है। फिर इसका जो स्वभाव है एवं आवास है, हैबिट एंड हैबिटेट, तो जो टिड्डा का जो स्वभाव है, टिड्डे घास के खुले मैदानों तथा पत्तीदार, ये जो होता है अत्यंत वनस्पति वाले स्थानों में ही पाए जाते हैं। प्रॉपरली हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर है खुले मैदान और पत्तीदार अत्यंत वनस्पति वाले स्थानों में ही पाए जाते हैं। जहाँ इनके लिए भोजन व जनन की सुविधा होती है उस जगह ये उपलब्ध रहते हैं, इसका जो स्वभाव है। इसी प्रकार प्रवासी टिड्डियों में लंबे पंख होते हैं और ये मार्ग में पड़ने वाले पत्तीदार जो पौधों या घास है उसके मैदानों, वृक्षों तथा फसलों को खाते हुए झुंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान ये प्रवास करते हैं। ठीक है, छोटे पंखों वाले या पंख में जो टिड्डे हैं एकल होते हैं और अपने स्थानों में ही वो सीमित रहते हैं, इन बातों को ध्यान रखना। फिर इसका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाह्य आकारिकी का जो बाह्य आकारिकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ध्यान सुनेंगे। ठीक है, तो इसका जो बाह्य आकारिकी है उसमें आकृति, अमाप एवं रंग ये देखते हैं, इसका शेप साइज एंड कलर। ठीक है, शेप साइज एंड कलर, तो इसका जो टिड्डा है उसका शेप किस प्रकार, टिड्डा अपेक्षाकृत एक बड़ा कीट होता है जो 8 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका शरीर लंबा बेलनाकार द्विपार सममित होता है। ठीक, शरीर का रंग प्रायः पीताप या भूरा होता है, जिस पर विभिन्न जो रंगीन धब्बे हैं व चिन्ह हैं वो होते हैं। ठीक है, टिड्डा का दूसरा आकार देखते हैं, इसका विखंडन है, सेगमेंटेशन जो होता है विखंडन इसका देखते हैं, सेगमेंटेशन जो टिड्डा का जो सेगमेंटेशन है इसका जो विखंडन है, टिड्डे का शरीर खंडयुक्त होता है, शरीर को बाहर से 3 प्रारूपी भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसका जो बाह्य आकृति जो भाग है उसको 3 भागों में उसका प्रारूपी भाग को विभक्त करते हैं, उसमें पहला भाग है सिर है,
वक्ष है और उदर है। इसी प्रकार तीसरा इसका जो बाह्याकारिकी है उसमें बही कंकाल जो आता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है इसका, वो बही जो कंकाल है इसका शरीर काइटिन के बने एवं क्यूटिकली बही कंकाल के द्वारा ढका होता है। इसका जो श्रवण है इसके नीचे स्थित कोशिकाओं के स्तर जो हाइपोडर्मिस द्वारा होता है। शरीर के प्रत्येक खंड पर पृथक कठोर कंठक होते हैं और खंडों के बीच की जो क्यूटिकल कोमल क्यूटिकल होती है वो कोमल होती है। इन कोमल अंगों को सीवन नाम से जाना जाता है या सीवन इसको कहते हैं। इन्हीं के कोमलपन के कारण शरीर के खंडों का जो उपांग है उसमें गति होती है क्यूटिकल में, और उसके नीचे स्थित जो वर्णक है इसे आरक्षीरंग प्रदान करने जो है वो आरक्षीरंग वो प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा अपने जो ये जो टिट्टा होता है वो चारों ओर वातावरण में जो रंग बिरंगे जो मिलते हैं वो चारों ओर और जो वातावरण है वो वहां पर वो रंग में मिल जाते हैं अनेक रंग, या वातावरण के रंग में ये मिल जाते हैं, इस प्रकार इसको माना जाता है। फिर इसका जो सिर होता है हेड होता है, इसका जो गतिशील सिर पर परस्पर संगलित छह खंडों का बना होता है। सिर का जो बहिकंकाल या सिर संपुट या इपिक्रेमियम जिसको कहा जाता है वो दृढ़ता से जुड़ी काइटिन प्लेटों या कंटकों का बना होता है, ठीक है। इसके सिर का जो पृष्ठ भाग शीर्ष जिसको वर्टेक्स है या पार्श्वतल कपोल या जीनी जिसको कहा जाता है, और सामने का जो भाग है वो फ्रांस कहलाता है, इसका जो बाह्य भाग फ्रांस कहलाता है। सिर में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, तीन साधारण नेत्र, एक जोड़ी सखंड श्रृंखलाएं और चबाने वाले जो इसके मुखांग है एक समुच्चय में होता है, ठीक है। इसका जो मुखाग्र में एक चौड़ा कुछ आयताकार ऊपरी ओष्ठ ब्लेब्रम होता है जो क्लाइपियस के जो क्लाइपियस होता है उसके अधर किनारे से जुड़ा रहता है, ठीक है। दूसरा है लेब्रम के नीचे झिल्ली के समान अधिक कृष्णी होती है, और तीसरा प्रत्येक पार्श्व में एक बड़ा भारी कठोर और श्रृंगी त्रिभुजाकार व गहरे रंग का मैंडिबल होता है जिसका भीतरी तट दांतेदार होता है। दोनों मैंडिबल एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और अपनी क्षैतिज गति द्वारा भोजन को चबाते हैं। ये मैंडिबलों के पीछे और बाहर की ओर एक जोड़ी मैक्सिलरी होती है। प्रत्येक मैक्सिलरी के जो आधारी कार्डों और मध्यवर्ती स्टाइपीज और दूर जो दूरस्थ दीर्घति एवं जो वक्रित लेमिनिया और गोली गैलिया और पेल्सिफर से निकला हुआ एक पतला पांच खंडी समेती मैक्सिलरी लेयर जो होता है वो पाया जाता है। पांचवा चौड़े जो मध्यवर्ती निचले ओष्ठ या लेबियम को संलग्नित जो द्वितीय जोड़ी मैक्सिलरी समझा जाता है। इसकी रचना में एक आधारी सब मेंटम केंद्रीय मेंटम दो गतिशील ल्यूगली और दोनों ओर तीन खंडों वाला एक एक संवेदी लेबियल पैल्स वे पाया जाता है। इसमें से लेब्रम व लेबियम है वो भोजन के या भोजन को मैंडिबलो या मैक्सिलरी के बीच रोके रखने का कार्य करते हैं, और मैंडिबल दाएं बाएं गति करके ये भोजन को पीसते हैं। फिर इसका जो पांचवा पॉइंट है वो वक्ष या थोरैक्स जो होता है, वक्ष या थोरैक्स जो होता है वक्ष के तीन खंडों में आगे की ओर बड़ा अग्रवक्ष व मध्य में मध्य वक्ष और पीछे की ओर पश्चिम वक्ष होता है। प्रत्येक खंड के जो पृष्ठ भाग या टर्गम जिसको कहा गया है वो टर्गम की रचना के एक पंक्ति में संलग्न चार जो कठक क्रमशः आगे की ओर अग्र स्कूटम पीछे की ओर पीछे स्कूटम और फिर स्कूटेलम और सबसे पीछे पश्च स्कूटेलम होते हैं। प्रत्येक खंड के जो पार्श्व में तीन जो कटक है क्रमशः एपिस्टर्नम एपिमिरॉन और पैरापेप्टन होता है, ठीक है। और इसके अदर भाग या स्टर्नम में केवल एक कंठक होता है। अग्र जो पक्ष है अग्र पक्ष का जो पृष्ठक है जो प्रोटोनम कहलाता है
बड़ा व काठी के समान होता है और दाएं बाएं दोनों ओर नीचे तथा पृष्ठ सतह पर पीछे तक ये बढ़ जाता है। दो जोड़ी जो स्वाथ रंध्र है जिसमें से एक जोड़ी अग्र व मध्य वक्ष के बीच तथा दूसरी जोड़ी मध्य व पश्च वक्ष के बीच स्थित होते हैं। प्रत्येक वक्षी खंड में एक जोड़ी जो खंडी टांगे होती है और प्रत्येक टांग में एक छोटा आधारी वाक्स एक छोटा प्रोकेंटर जो एक बड़े एवं दृढ़ फीमर जो होता है के साथ संलग्नित रहता है और एक दीर्घित पतला व कंटी टिबिया और तीन छोटे छोटे टर्मोसियस का बना टार्सस होता है और टार्सोमियर्स जो है उसमें अधर तल पर छोटी छोटी गद्दियां प्लैंटुली होती है और तीसरे व अंतिम जो टार्सोमियर में एक अंतस्थ मध्यवर्ती मांसल गद्दी या एरोलियम और दो पार्श्व नखर होते हैं। पल्वाइलस व प्लैंटुली चिकनी सतहों पर ठहरने के काम आते हैं और टिड्डे की सतह टांग जो समस्त जो टांगे हैं वो चन्ने व उछन्ने के लिए प्रयोग की जाती है। टिड्डे के मध्य व पश्चिम भागों में प्रत्येक में एक जोड़ी पंख होते हैं। इनमें से अग्र पंख जो मध्यवक्षी या टेगमिना संकरे कठोर चर्मी या पार्चमेंट के समान होते हैं। ये पश्च पंखों को ढकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पश्च वक्षी पंख बड़े चौड़े झिल्ली में और उड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर छठवपैंडिस में आता है इसका जो बायाकार की उसमें उदर है एब्डोमेन है। इसका उदर पतला बेलनाकार और 11 खंडों का होता है। प्रत्येक खंड को में जो प्रत्येक खंड उसमें एक पृष्ठ टर्गम व अधर स्टर्न होता है और पार्श्व या जो प्लूरा का अभाव होता है। प्रथम उदर खंड का स्टर्नम दोनों पार्श्व में से प्रत्येक में से एक अंडाकार कर्ण पट होती है जो अपनी ओर के श्रवण कोष को ढके रहती है। उदर में प्रथम 8 खंडों में 8 जोड़ी श्वास रंध्र वो पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक खंड में एक जोड़ी खंड के अग्र पार्श्व भाग में स्थित होते हैं और प्रथम जोड़ी जो श्वास रंध्र है वह अपेक्षाकृत बड़े उदर के प्रथम खंड में कर्ण पटर के सामने स्थित हो रहते हैं और 9वें एवं 10वें खंडों में टर्गम आंशिक रूप से तथा स्टर्नम पूर्ण रूप से संलग्नित होते हैं और 11वें खंड में केवल टर्नम ही होता है। मादा टिड्डे की अपेक्षा नर टिड्डा छोटा होता है। उदर का जो पिछला सिरा है वो मैथुन के लिए अंडोत्पत्ति के लिए रूपांतरित होता है और इस प्रकार लैंगिक द्रुपता प्रकट करता है। नर के उदर का सिरा गोली हो जाता है और 9वें खंड का स्टर्नम नीचे की ओर से दीर्घित होकर मैथुन अंगों को बंद रखता है तथा उदर में ऊपर की ओर ऐठन बना देता है। मादा का उदर अपेक्षाकृत अधिक सुंडाकार होता है और अनेक काइटिनी प्लेटों में है वो समाप्त हो जाता है जो सामूहिक रूप से अंड निक्षेपक बनाती है। उदर के पश्च सिरे पर गुदा यानी एनस और जनन छिद्र जेनेटियल एपेचर होते हैं। गुदा जनित छिद्र से ऊपर स्थित रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो टिड्डा है उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आता है।